Hey guys, welcome back. My name is C.A. Shantanu Madani. I welcome you all to the most detailed revision series ever of resolution of corporate dispute, non-compliance and remedies. प्यार से आप इसको RCT कहते हैं और आज हम देख रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड. सो पार्ट फर्स्ट की बात हमारी हो चुकी है और उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स और डिस्कशन को अपने पार्ट्स में शामिल किया, रिविजन सीरीज में शामिल किया. उसी तरीके से आज जो है पार्ट सेकंड की हम बातचीत करेंगे और उसी फर्स्ट चैप्टर के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स. तो यहाँ हम बात कर रहे थे और मुझे लगता है हमने लास्ट क्लास में काफी सारी बात कर ली थी. मेजोरिटी माइनॉरिटी की लड़ाई ही खत्म नहीं हुई थी इन लोगों की अभी तक. बट हमने ये समझा था कि मेजोरिटी विल्स, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. पर जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स भी, आप भी दूसरों को शायद सुना होगा आपने, कि हर चीज की कोई ना कोई लिमिट है. तो वही चीज है कि मेजोरिटी विंस, बट आंखें बंद करके हम ये हमेशा नहीं कह सकते. देयर हैज टू बी ऑलवेज सम रूल्स अराउंड इट. और उसी के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग केस लॉज के जरिए बात करने की कोशिश करी है. अच्छा, एक चीज और है जो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ इस चीज को. पता है मुझे खुद भी ऐसा लगता है बहुत बार, और एक्चुअली मैंने देखा है ऐसा, मैं ऐसा बोलूंगा आपको, कि जैसे लोग यूट्यूब पे आते हैं या क्लास पढ़ाते हैं तो बहुत तैयार होके आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सच बताऊं कि मेरे पास उतना समय नहीं है. जैसे अभी भी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, यार थोड़ा सा सही हो जाना चाहिए बाल, तो थोड़ा कॉम कर लेता हूँ, कंघी कर लेता हूँ. क्योंकि क्या है कि मतलब तो चाहिए रहे चीजों के लिए, मैं जेल लगाऊं, बाल को ठीक ठाक सा करूं, उसके लिए मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे. मुझे अगर मैं लड़की होता तो शायद ज्यादा समय लगता मुझे, बट लड़कों को मैंने मुझे ऐसा लगता है, गुस्सा मत हो जाना, जो गर्ल्स है गुस्सा हो जाएंगे, सर हमें कह रहे हैं. मैं आपको नहीं कह रहा, ये जरूरी बात है ऐसा. तो एटलीस्ट ये तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि बाल तो ठीक ठाक दिखने चाहिए. तो इसलिए तो एक्सक्यूज करना उन सब बातों को, अगर आपको भी देखें अरे यार सर वही गेटअप पे आ गए फिर से, तो यही मानना कि सर के पास बस अगर समय है तो सांस लेने का ही है और कोई खास समय नहीं है मेरे पास. तो चलिए कोई बात नहीं, बातचीत आगे बढ़ाते हैं. आई होप मेरी शक्ल बहुत ज्यादा आपको मैटर नहीं करेगी. मैटर जो करेगा वो मेरी आवाज यानी एक्सप्लेनेशन के तौर पर और जो मेरे सामने नोट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं वो, है ना. तो चलिए अब बातचीत हम करनी स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन टू ट्रैवल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन. देखिए हमने लास्ट क्लास में इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात करी कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट किस चीज का नाम है, और उसका हमने यही कह के सामना किया, यही कह के उस बात को डिफाइन किया कि जब कंपनी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, दैट इज मिसमैनेजमेंट. बट सब कुछ नहीं सही चल रहा है वो मैंने और भी एक्सप्लेन किया है कि आप मेयरली अगर कंपनी थोड़ा अप्स एंड डाउन से गुजर रही है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. क्योंकि अगर इस तरीके से करने लगेंगे तो हर दिन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के चार्जेस लगेंगे, है ना. क्योंकि आप देखिए, मैं जैसा कि पहले भी कहता आया और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का सबको हक है, बट सबकी बात मानी जाए ये डेमोक्रेसी नहीं होती है. तो अगर आप शेयर होल्डर्स की बात सुनने लगेंगे और हर शेयर होल्डर अपनी अपनी बात कुछ ना कुछ अलग कहेगा एक दूसरे से, तो फिर तो कंपनी बस हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल आज के लिए ट्राइब्यूनल के बारे में, NCLT के बारे में. पहुंच चुके हैं NCLT. तो जब मैटर आपस में नहीं सुलझ रहा, जो लास्ट क्लास मैंने समझाया था कि भाई आपसी की बातें जो है वो आपस में ही सुलझा लो तो ज्यादा अच्छा है आपको, या बहुत बार ऐसा लगता है, एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा. मेरा ये मानना है कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ, अभी आप अपने ट्रेनिंग में जाएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इनमें से, तो आपकी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको खुद ही सॉर्ट आउट करनी रहेंगी और वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. बाकी फिर अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, बट मैं यही मानता हूँ, ठीक है. बट अगर अपने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, हम NCLT जाएंगे. अब ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए कुछ उसके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि कब आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज के अंदर ऑपरेशन हो रहा है. जब वहां पे कोई इंजरी हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जहाँ पे जिसके पास पावर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करके अनजस्ट कर रहा हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, या शेयर होल्डर्स एसेट मतलब शेयर होल्डर्स की जो राइट्स हैं उनको उनसे एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा हो. सो एनीथिंग अराउंड दिस, जिससे कि कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं वो कर्टेल्ड किए जाए, उसको शॉर्ट किया जाए और जो जिसका लीगल राइट है वो ऑब्वियसली उसको ना करने दिया जाए.
आई थिंक ऑपरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों साथ चलेंगे, बिकॉज ऑपरेशन एक शुरुआत है गलत चीजों के होने की, और जब वो चीजें गलत होके कहीं दूर निकल जाती हैं, विच इज उसके इफेक्ट्स हमें दिखने लगते हैं, तो वो मिसमैनेजमेंट का नाम होता है। अब यहाँ पे एनसीएलटी की बात करते हुए कहते हैं कि एनसीएलटी पे कंप्लेन फाइल करी जा सकती है ऑपरेशंस को लेके, बट वो तभी करी जाएगी जब कुछ ऐसा लगे कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहे हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम है रीजनेबल, तो दूसरा ऐसा वर्ड है जो पब्लिक इंटरेस्ट है, तमाम और भी हो सकते हैं, बट आप मुझे बताइए क्या आप इसको लेंथ की कोई लिमिट ना भी रखी जाए, क्या आप ये रीजनेबल लिख के बता सकते हैं कि ये चीजें ही रीजनेबल होगी, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे समुद्र में कितना पानी है और आसमान में कितने तारे हैं नहीं गिर सकते। तो उसी परस्पेक्टिव से ये दो वर्ड्स भी हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत ही वाइडर वर्ड है, तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ काम करना जो कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, मैं इसको ऐसे समराइज कर सकता हूँ, तो आप एनसीएलटी जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एनसीएलटी के बारे में बात करें, ये ध्यान रखें कि आपके पास कुछ रिक्वेस्टिव लोग होने चाहिए, क्योंकि दो लोग अब कंपनी के पास हजारों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चार पांच लोग उठ के चले गए तो एनसीएलटी ने कहा कि चलो हम आपका केस सुनेंगे, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं एक डीमार्केशन करा गया है, और वो डीमार्केशन इस बेसिस पे डिवाइड है कि आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है, या आप जानते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरी वाली जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो छोड़ दीजिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्टेंस में आती नहीं है। तो कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन मतलब कम से कम, एटलीस्ट मिनिमम। ये पता है मेरा ये मानना है बहुत बार कि चीजों को बहुत इजी बनाया जा सकता है, जैसे बेयर एक्ट में लिखते हैं नॉट लेस देन, भाई तुम किस पे अपना इंप्रेशन दिखा रहे हो, सीधा सीधा लिखो ना मिनिमम। नॉट लेस देन मतलब क्या, मतलब कम से कम, एटलीस्ट। नॉट लेस देन बहुत बार स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो, या पढ़ने वाला जो है, अगर तुम मिनिमम लिखोगे तो वो जल्दी स्ट्राइक ऑफ करेगा। पहले एक जमाना था प्रोडक्ट्स पे लिखते थे बेस्ट बिफोर, जैसे होता है ना खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे लिखते थे बेस्ट बिफोर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर। तो गवर्नमेंट ने कहा बेस्ट बिफोर क्या, सीधा लिखो ना एक्सपायरी। एक्सपायरी जो है वो माइंड पे एक ज्यादा अट्रैक्ट करके बात समझ में आती है। बेस्ट बिफोर का भी मतलब वही है, बट बेस्ट बिफोर थोड़ा पॉजिटिव टाइप ऑफ वर्ड लगता है, जबकि एक्सपायरी मतलब थोड़ा सा अलग लगता है। तो मेरा यही मानना है और यही मैंने हर जगह किया है कि जहां पे स्टूडेंट्स के लिए चीजें इजी बनाई जा सकती है, वहां क्यों अपनी फालतू की चीजें कुछ भी बताई जाए। तो कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है वहां पे बताया जा रहा है कि कम से कम 100 लोग आपके साथ होने चाहिए, या 1/10 और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। तो या तो 100 लोग या 1/10, जो भी इनमें से कम हो। 1/10 मान लो कि अगर हमारी कंपनी में 100 मेंबर्स है तो 100 एक तरफ एक ऑप्शन है, या तो 100 मेंबर्स होने चाहिए या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। अगर टोटल मेंबर हमारी कंपनी में 100 हैं तो 1/10 का कितना निकला, 10। तो 100 या 10, विच एवर इज लोअर, लिखा है ना विच एवर इज लेस, तो लेस क्या हो गया 10 लोग, यानी 10 लोग भी अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम ये बात जो है वो एनसीएलटी पे जाके रख सकते हैं। तब की बात है जब आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यानी अगर हमारी कंपनी में 100 मेंबर्स है तो 1/5 आप इसका निकाल लीजिए। 1/5 आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये 20 आता है, तो यानी 100 में से 20 लोगों का जाना जरूरी है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। और उसके अलावा ट्रिब्यूनल जो है ऑब्वियसली वो एनसीएलटी है। देखिए एनसीएलटी के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीएलटी हर तरीके से यही कोशिश करेगा जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी कोई केस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का आए उसको सॉर्ट आउट किया जाए, मतलब कंपनी बंद ना करी जाए ये कह के कि हाँ भाई इसमें तो घोटाले हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, तो चलो कंपनी बंद कर दो। क्योंकि ये मत भूलिए कि कंपनी अगर चल रही है तो उसके साथ बहुत सारे और परिवार चल रहे हैं। ऑन एन एवरेज ऐसे मानिए, ऑन एन एवरेज कि भाई अगर एक बंदा कंपनी में काम करता है और उसकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपकी कंपनी में 100 लोग हैं, 100 इम्प्लॉइज है, तो टेक्निकली 100 लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा, 400 लोगों पे फर्क पड़ेगा। अगर हर बंदे के घर पे ऑन एन एवरेज 4 लोग हैं उसको जोड़ के, तो 400 लोगों का जो डेली एक्टिविटी है या यू कह लीजिए खाना पीना है, वो कंपनी के पैसे जो सैलरी के तौर पे दिए जा रहे हैं उससे चल रहा है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे ज्यादा और इससे कम भी हो सकता है, एंड क्लोजिंग कंपनी इज नॉट द ऑप्शन, है ना। तो वही बात है, ये तो वही बात होगी कि हमने देखा यार सामने से कोई चीज, हम गाड़ी चला रहे हैं 2-व्हीलर या 4-व्हीलर कुछ भी ऐसा, सामने से देखा बहुत तेजी से कोई चीज आ रही है,
तो आप क्या करेंगे, आप आंखें बंद कर लेंगे, आप चलाते रहेंगे गाड़ी? नहीं ना, वो अपनी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं इससे बचूं, यही तो रास्ता है। तो वही बात एनसीएलटी भी यहाँ पे बार बार समझा रहा है, और वही एनसीएलटी भी करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। अब उसी पावर्स को यूज करते हुए एनसीएलटी तो स्टेप्स ले सकता है, वो यही है कि वो अपने हाथ में कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट या रेगुलेशन, डे टू डे मैनेजमेंट ले सकता है। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस कंपनी पे लगाए जा सकते हैं कि कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगी, कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऐसा केस में भी नहीं होगा। कंपनी जो अपना एग्जिस्टिंग एमओए है, एओए है, एक्सेट्रा द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चेंजेस नहीं लाएगी। कंपनी को इस सब्सटैंशियल अमाउंट के एसेट्स को बेच नहीं सकती, खरीद नहीं सकती, मतलब हर तरीके से वैसे कह दीजिए कि कहीं ना कहीं एक सुपरविजन का जो रोल होगा वो इफेक्ट या इम्प्लीमेंट में हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। किसी दिन आप पता नहीं घर पे जैसे अकेले रहते हैं, जैसे पीजी में रहते हैं, कई बच्चे हॉस्टल में, कई बच्चे अपने घरों में रहते हैं, तो अगर आप आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या विद इन द स्टेशन पे किसी मैरिज में जाते हैं और आप नहीं जाते, क्योंकि मैरिज में जाएंगे तो लोग पूछते हैं बच्चा क्या कर रहे हो आप आजकल, आप बोलते हैं मैं सीएस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर उन्हें समझाओ कि सीएस क्या होता है वगैरह वगैरह, होता है कि नहीं होता? तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे, वैसे मैं आज बताऊं कि ये तो एक मजाक की बात थी, आजकल के जमाने में लोग अब जानने लगे हैं सीएस को, है ना। अब ये फिर डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला किस हद तक कॉर्पोरेट लाइफ को जानता है, बट जो कंपनी के बारे में जानता होगा वो डेफिनेटली सीएस के बारे में जानता ही होगा। और नहीं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई आपसे कहे कि यार सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस या कौन से कॉलेज से कर रहे हो, या आज आप फाइनल तक आ चुके हो बट इसका जवाब जो है आज तक आप शायद देते आ रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस क्वेश्चन से भागे मत, उन्हें 2-4 मिनट दे के समझा दीजिए कि भाई ये होता है देखो सीएस, अब मैंने समझा दिया, अगली बार जब किसी ने मिलना तो यही पूछना है, ये कंप्यूटर साइंस और ये सब मत कहना। तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं या आप घर पे अकेले जैसे रहते हैं, तो आप घर अपने तरीके से मैनेज करते हैं, होता है कि नहीं? कोई कहीं कहीं बच्चे ऐसे, मैं ये नहीं, अब मैं किसी के घर तो नहीं गया पर मैं जनरल बात कह रहा हूँ कि अपना एक स्टाइल है, जैसे आप सुबह देर से उठेंगे, रात को देर से सोएंगे, या खाना पीना में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा खास। अब यही अगर पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे, जो कि अच्छी बात है अगर वो रहें, तो क्या होगा, एक डिसिप्लिन रहेगा। हम पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, बट हमें पता है कि यार अब हमसे बड़े लोग घर पे हैं तो इनके डिसिप्लिन के हिसाब से हमें काम करना है। यही चीज यहाँ पे भी है कि अगर एनसीएलटी का डिसिप्लिन होगा तो वो चीजें जो पहले हम बहुत इजीली कर सकते थे अब वो नहीं कर सकते, हर चीज पे जवाब सवाल होगा, और यही एनसीएलटी करने आया है, वो हर चीज को रेगुलेट करने आया है। तो बेटर है कि चीजों को सही तरीके से मैनेज किया जाए रादर देन एनसीएलटी तक बात पहुंचे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे बात कही गई है। अच्छा, उसके अलावा अगर इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में बात करें, इंटरिम ऑर्डर्स इंजंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, इंटरिम ऑर्डर्स और कुछ नहीं है, वो फॉर द टाइमिंग टाइप वाले ऑर्डर्स हैं, वो वैसे ऑर्डर्स हैं जहाँ पे तो अगर इंटरिम ऑर्डर्स की हम लोग बात करें, तो मैं जैसे कह रहा था, मैं ऐसे कहूंगा कि बेसिकली वो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो एक केस के फाइनल डिसीजन आने से पहले दिए जाते हैं। बहुत बार आप ड्राफ्टिंग के बारे में जब बात करते हैं, आई एम श्योर आपने वो ग्रुप देखा होगा, ग्रुप 1 में ड्राफ्टिंग है और अदरवाइज भी। सो फॉर द टाइम बिंग, जैसे कि इंजंक्शन है, सो इंजंक्शन कैन बी समथिंग विच इज लाइक अ टेम्परेरी, फॉर द टाइम बिंग जो बात करी गई है, बिकॉज अभी केस का डिसीजन आना दूर है, बाकी है, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। फॉर द टाइमिंग जब हम स्टे ऑर्डर्स के तरीके से कुछ बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम ऑर्डर्स। बात करते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन को लेके। अब देखिए ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफर के बारे में ये कहा जाता है, इट इज एन एक्ट डन बाय द ऑपरेशन ऑफ, या वैसे कह सकते हैं, बिटवीन द पार्टीज, वॉलेंट्री है, जबकि ट्रांसमिशन इज समथिंग दैट इज डन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सो अगर ए ने अपने शेयर्स बी को दिए, ऑब्वियसली दिस इज ट्रांसफर। अगर ए ने अपनी विल में लिख दिया था कि जब ए की डेथ हो जाए तो जो भी उसके पास शेयर्स हैं वो बी को दे दिए जाए, तो दिस सेकंड एग्जांपल व्हिच टॉक्स अबाउट अ विल इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। सो ट्रांसमिशन इज नेवर डन वॉलेंट्री, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डन बाय द प्रोविजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो उसको लेके यहाँ पे बात करी गई है, और जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी जो है वो ट्रांसफर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। अब ये ठीक है कि मान लीजिए अगर मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मेरे शेयर्स पे लियन है या मेरे शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, तो वो एक अलग बात है, फिर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। बट अगर शेयर्स फुली पेड अप है, कोई लियन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है,
अपने शेयर्स में जिसको चाहूं दे सकता हूं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पब्लिक कंपनी, तब तो आप जानते हैं कि द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैज द रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी। बहुत बार कंपनी क्या करेंगी कि वो दखल अंदाजी करेंगी, मना करेंगी इस चीजों को लेके कि नहीं हम ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मैंने किसी भी कंपनी के, सो मे बी आई विल राइट लाइक दिस, मैं एक शेयर होल्डर हूँ एंड माय नेम इज ए, एंड मैंने एक कंपनी के शेयर्स लिए हैं जो कि एक्स वाई जेड है। अब ये जो बात मैं कहने वाला हूँ, मैं एक्स वाई जेड के आखिरी में सफिक्स के तौर पे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लिख रहा, क्योंकि ये एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड के लिए थोड़ा अलग चलेगा और लिमिटेड के लिए अलग चलेगा, मतलब मैकेनिज्म सेम रहेगा, बट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डेज, वो प्राइवेट कंपनीज में कम अलाउ होते हैं और पब्लिक कंपनीज में वो डेज बढ़ जाते हैं। कौन से डेज की एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि जो एक शेयर होल्डर है उसने एक्स वाई जेड पे फॉर्म्स वगैरह भेजे, ट्रांसफर ट्रांसफरी वगैरह सबके साइन वगैरह करा के, कि ए जो है अपने शेयर्स बी को देना चाहता है और कंपनी के ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म वगैरह भेज दिए। अब अगर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसको इस बात से दिक्कत है कि भाई ए के शेयर्स नहीं ट्रांसफर होंगे, सो ठीक है, पहली बात तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि शेयर्स फुली पेड अप है अगर ए के, तो दिक्कत क्यों होगी किसी भी कंपनी को। पर अगर दिक्कत है तो हम यही कहते हैं कि भाई जो कंपनी है वो रीजन बताए कि क्या उसको इश्यू है, और अगर कोई भी जवाब कंपनी की तरफ से नहीं आता विद इन 60 डेज, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी है उसके 60 दिन बीत गए कोई जवाब नहीं आया, तो फिर ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये मान लिया जाएगा, राधा जो एक्ट है कंपनी एक्ट वो यही कहता है कि ये मान लिया जाएगा 60 दिनों के अंदर अगर कोई जवाब नहीं आता कि कंपनी हमारा ट्रांसफर नहीं करना चाहती और हमें कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं बता रही है। सो दैट केस कैन देन रेफर टू एनसीएलटी, उसमें फिर आगे बात बढ़ाई जा सकती है। और यही चीज जब आप राधा दिन प्राइवेट कंपनी, आप एक लिमिटेड कंपनी के साथ करते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ए, वो अपने शेयर्स बी को ट्रांसफर करना चाहता है और जिस कंपनी में शेयर्स की ट्रांजेक्शन होने वाली है ट्रांसफर को लेके, दैट इज अ लिमिटेड कंपनी विच इज एबीसी लिमिटेड। तो इन दैट केस ये कहा जा रहा है कि वो जो कंपनी है, जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसको 90 दिनों के अंदर अगर कोई जवाब वो कंपनी ए को नहीं देती कि भाई शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं जो भी है, मतलब कोई जवाब नहीं आता 90 डेज के अंदर। सो याद रखिए, प्राइवेट कंपनी में 60 दिन के अंदर है जवाब, ऑब्वियसली अगर नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें सो इट इज 90 डेज, 90 डेज तक का ही, क्योंकि ये अगर दिमाग में क्वेश्चन उठे कि सर एक जगह 60 डेज है एक जगह 90 डेज है, वाई एक्चुअली ऐसा है क्यों, तो उसका जवाब ये है कि आप जानते हैं कि पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट एज सच नहीं होती है ना, और जबकि प्राइवेट कंपनी में लिमिट है 200 की है। फिर ये भी आप जानते हैं फॉर श्योर कि पब्लिक कंपनी की जो लायबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशंस हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो कई हद तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कंपनी। सो फॉर दैट रीजन उनको एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, पेपर वर्क ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा समय अलाउ किया जा रहा है, बट ज्यादा का मतलब भी इनडेफिनेट नहीं है। 90 डेज के अंदर पब्लिक कंपनी ने अगर जवाब नहीं दिया तो आप मान लीजिए एज अ शेयर होल्डर की वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर की, और आप स्टेप्स आगे बढ़ाइए, इस चीज को लेके आप जाइए एनसीएलटी और अपनी बात रख सकते हैं। जहां तक बात करी जाती है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो अगर किसी मेंबर का नाम रजिस्टर में था और हटा दिया गया, या जबरदस्ती किसी मेंबर का नाम रजिस्टर में लिख दिया गया है, तो फिर इस चीज को लेके आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, और फिर ट्राइब्यूनल डेफिनेटली इस चीज को देखेगा, और ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि कंपनी की तरफ से किसी की गलती हुई है, सो जो भी कंपनी है और जो ऑफिसर लायबल है उन पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़ के 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। बात करते हैं क्लास एक्शन सूट्स के बारे में। अब देखिए, क्लास एक्शन बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक बात सुनी होगी कि जो यूनिटी है, यूनिटी स्ट्रेंथ। बहुत पहले मुझे याद है कि जब स्कूल वगैरह में थे तो एक कहानी सुनाई जाती थी, अब एग्जैक्टली मुझे पूरा वर्डिंग उसके याद नहीं है, बट आई नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज की यूनिटी स्ट्रेंथ, कि 3-4 भाई थे, कुछ ऐसी थी, फिर कोई लकड़ी की था कि भाई लकड़ी तोड़ने की बात थी, तो एक भाई ने अपने आप कोशिश करी नहीं, पर जब चारों ने मिलके किया तो वो काम उन्होंने कर लिया, समथिंग लाइक दिस टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। कहानी भी रिवर्शन तौर पर मैंने सुनाई है ना, तो
वही क्लास एक्शन भी है कि क्लास एक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोविजन है जो कि 2013 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले ये था ही नहीं। और इसकी वजह से जो इंडियंस हैं, स्पेशली जब सत्यम का स्कैम हुआ तो न जाने करोड़ों, मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट जो यहाँ पे कहा जाता है करोड़ों अरबों रुपए इंडियंस के ड्रेन ड्रेन आउट हो गए, बह गए, पानी की तरह चले गए और आज तक उनका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ और रखता आया हूं और रखूंगा कि गवर्नमेंट को, चाहे वो एक्स की गवर्नमेंट है वाई की, मेरी किसी क्लास में मैंने ये नहीं कहा कि एक्स की गवर्नमेंट अच्छी है वाई की, आप डिसाइड करिए, ठीक है, सबका अपना अपना राइट है, बट जिस प्लेटफॉर्म में ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये आपको अपनी खुद सोचने पे मजबूर करता हूँ कि कहाँ पे क्या सही है। बट बस मैं ये चाहता हूँ कि इन द एंड ऑफ द डे, देखिए हम ये जानते हैं एक आम इंसान होने के नाते, एक यू नो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द सेक्शन के प्रिस्क्रिप्शन से मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि जितनी भी ये स्कीम्स आती हैं, एक आम इंसान के लिए उनमें से शायद ही कोई स्कीम होती हो, है ना। तो हम बस यही चाहते हैं कि भाई थोड़ा इंडस्ट्री इंडस्ट्री लग जाए, मेहनत करें हम लोग, यू नो नौकरी वगैरह करें, बिजनेस करें और दो चार पैसे कमा लें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें एक आम इंसान को होने के नाते उसको स्कीम गवर्नमेंट वगैरह की मिलती नहीं है बहुत ज्यादा। वो कहते थे एक एग्जाम्पल के तौर पर, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इंडिया की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले की बात है, कहते थे कि अगर मान लो 100 रुपए गवर्नमेंट ने निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये 100 रुपए की स्कीम जो भी फलाना ढिमकाना कोई भी स्कीम बना दी नाम का, ये स्कीम जो है ये हमने 100 रुपए दे दी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब वो स्कीम जब आप तक या मुझ तक पहुंचेगी जहां पे उसको इम्प्लीमेंट होना था, जिस यू नो पर्पज के लिए 100 रुपए सैंक्शन किए गए थे, 100 रुपए मतलब 100 मत मानिए, 100 करोड़ मान लीजिए चलिए आप, तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि वो लोअर लेवल तक आते आते कहते हैं कि 5 रुपए भी नहीं बचते, तो बाकी 95% और 95 रुपीज बीच के जो लोग हैं उन्होंने ही खत्म कर दिया, तो हमें स्कीम मिलती नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने तो पैसे दिए बट हमको स्कीम मिलती नहीं है। तो क्लास एक्शन सूट इसी मैकेनिज्म को लेके लाया गया कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ये एकजुट हो जाए और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो गलत काम कर रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज है, जिनको लगता है कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब एक आध बंदा आया तो कोई बात नहीं थी, बट जब इतने सारे लोग आ रहे हैं और अटैकिंग मोड में आ रहे हैं तो सामने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसी को आप क्लास एक्शन कहते हैं। क्लास एक्शन बेसिकली इसलिए भी लाया गया कि जो स्मॉल क्लेम्स थे इनको एकजुट करा जाए और जिससे कोर्ट का जो बर्डन है वो रिड्यूस कर दिया जाए, और क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो एक बंदा यहाँ पे केस फाइल करेगा, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, तो एक ही केस 4-5 कोर्ट्स में चलता है, तो वो ना हो ये ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन लाया गया। अगर आप क्लास एक्शन फाइल करना चाहते हैं तो पहली बात तो या तो आप मेंबर्स होने चाहिए, अब मेंबर्स कैन बी इक्विटी प्रेफरेंस या फिर डिपॉजिटर्स होने चाहिए, है ना, और तभी आप ये कर सकते हैं जब आप ये प्रूव कर पाए कि जो भी कंपनी में हो रहा है दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो अल्ट्रा वायरस है, कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में नहीं लिखा है, क्योंकि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में अगर कोई चीज नहीं लिखी है सो देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट इज कि आप उन दोनों को अमेंड कर सकते हैं और फिर वो काम कर सकते हैं, एंड द सेकंड इज कि आप अले अमेंड भी कर लें बट फिर भी वो काम नहीं कर सकते। सो वन इज कॉल्ड एज इंट्रा वायरस एंड द अदर इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस। तो ये हमें देखना होगा कि कंपनी क्या मिस यूज कर रही है, क्या वो ऐसा कुछ कर रही है जो लॉ के प्रोविजन के ही अगेंस्ट है, या वो कुछ ऐसा कर रही है जो वो कर सकती है बट जो रूट उसने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है, जो रास्ता कंपनी ने चुना है वो गलत है, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में ये पावर्स नहीं है। सो द करेक्ट वे वुड बी टू ऑल्टर द एमओए और एओए एज अ केस में बी एंड देन डू दिस एक्ट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ रीजन है जिसको लेके जो लोग हैं वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद ये भी यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा लगता है कि कंपनी इन चीजों को छुपा रही है, सप्रेस कर रही है मटेरियल फैक्ट्स को, रिलेवेंट फैक्ट्स को, तो इन चीजों को लेके आप एनसीएलटी जा सकते हैं। जहां तक बात है कि भाई एनसीएलटी किसकी बात सुनेगा, तो यहाँ पे वही है शेयर कैपिटल और वो कंपनी जिसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं है। हम क्लास एक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है कहते हैं एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हिच एवर इज लेस। तो एटलीस्ट 5% ऊपर आप देखिए हमने बात करी थी, तो 10% 100 और 1/10 व्हिच एवर इज लेस कहा था। यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि 100 और 5% व्हिच एवर इज लेस, तो यानी एनकरेज करा जा रहा है। अगर चाहते हैं कि क्लास एक्शन को हम डिस्करेज करें, लोग ना आए सामने, तो इसकी कैपेसिटी हम ज्यादा रखते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए कि पहले 1/10 था तो अब तो उसको और कम कर दिया,
हमने एक तरीके से 10% से 5% पे लिया है, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी में 100 मेंबर्स हैं तो या तो आप कहते हैं कि उसका 5% आप निकालें, अगर 100 का 5% आप निकालेंगे तो 5 लोग आएगा, तो 5 या 100 विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस मतलब 5 लोग भी अगर चले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जाम्पल, तो क्लास एक्शन की बात जो है वो कही जा सकती है। अगर डिपॉजिटर्स के तौर पे बात करें तो एक मेंबर्स है जो क्लास एक्शन ला सकते हैं, दूसरे डिपॉजिटर्स हैं, तो कहते हैं कि 5% ऑफ द टोटल डिपॉजिटर्स या 100 डिपॉजिटर्स जो भी इनमें से कम हो, जो कि ऊपर भी जैसे कहा गया है। डिपॉजिटर्स आपको पता ही है भाई, जो डीपीटी अलग अलग तरीके के फॉर्म आप पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से कंपनी लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और फिर उस तौर पे टेन्योर भी है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के, काफी सारी कंडीशंस भी हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये बात कही। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं, मैं फर्स्ट पार्ट में बोल पाया नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हमारे पास सारे के सारे सीएस प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स अवेलेबल है ना, तो अगर आप, और रिविजन सीरीज भी धीरे धीरे हम सभी की करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद वी आर प्लानिंग कि वी विल हैव अ रिविजन सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है ना, तो वो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, दोनों मॉड्यूल पढ़ाए हुए हैं, और जितनी भी हमारी क्लासेस है इसमें कोई दोहराया किसी को नहीं होगी, वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज के साथ है, गारंटी है ना, और मैं बोलता हूँ ये बार बार बोलता हूँ, मेरे जितने भी सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं इसी बेसिस पे चलते हैं कि वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज, ये आप जानते भी होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अब जहां भी कोई चीजें रिपीटेटिव है या कुछ ऐसी हैं जिनको बोल के इजिली समझाया जा सकता है, तो वो नोट्स में हम नहीं लिखते, फिर उसको बोल के ही बताया जाएगा। तो ये क्लास एक्शन की बात थी, और क्लास एक्शन के बारे में फर्दर कहते हुए ये कहा गया है कि जब भी क्लास एक्शन की बात आएगी ये जरूर देखा जाएगा कि सारे के सारे एप्लीकेशन को एक जगह कंसोलिडेट कर लिया जाए, और जो भी क्लास एक्शन का खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी। ध्यान करें मैंने क्या बोला, क्लास एक्शन का खर्चा कंपनी बेयर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट है ना, और कंपनी कुछ गलत कर रही है, और कंपनी को पहले ऐसा नहीं हुआ होगा जहां तक मैं समझता हूँ, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी नहीं होता कि आप डायरेक्टली कोर्ट चले जाए बिना सामने वाले को बताए कि हम कोर्ट जाने वाले हैं। पहले बंदा वार्निंग देता है हर चीज की, जब सामने वाला नहीं मानता तब वो आगे बढ़ता है, और यही एक पैटर्न फॉलो किया भी जाता है। कोर्ट भी आपसे यही कहेगा कि पहले अपने आप खुद सॉर्ट आउट करिए, अगर नहीं होता तो हम बैठे हमारे पास आइए। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि कंपनी की गलती है, कंपनी नहीं रोक पाई, सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, तो कंपनी को इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद पेनल्टी के बारे में बात करी गई है, और इवोल्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो देखिए कंपनीज एक्ट 2013 जो आया, तो काफी सारी चीजें वो अपने साथ नहीं लेके आया, जिनमें से एक क्लास एक्शन है, जैसे कि मैंने कहा चीजों को सिंप्लीफाई बनाया, बट सिंप्लीफाई के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक चीज, वो ये कि रूल्स इन्होंने बहुत सारे ले आए हैं। पहले आपने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, या पता नहीं पढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि 1956 वाला जो एक्ट था कंपनीज एक्ट, वो सिर्फ एक्ट था, उसके अंदर रूल्स का इतना बोलबाला नहीं था कि भाई रूल्स देखो रेफर दिस रूल रेफर दिस रूल। अब वाले एक्ट में आप 2 लाइन पढ़िए, तीसरी लाइन में फिर रूल आ जाएगा। तो आप अगर अब आप बेयर एक्ट से कंपनीज एक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ बेयर एक्ट से अकेले काम नहीं चलेगा, रूल्स की बुक भी आपको साथ में रखनी पड़ेगी, तभी आप इंटरप्रिटेशन सही से निकाल पाएंगे। तो खैर अलग अलग तौर पे नई नई चीजें आई, बट ऑल इन ऑल ये एक्ट पहले से बहुत एडवांस है, कम सेक्शंस के साथ है, चीजें इजी करी गई हैं, कुछ नए प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके, सीएसआर को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, यू नो ट्रांसपेरेंसी को लेके लाए गए हैं, उसके बारे में बड़ी खुल के बात करी गई है। और क्लास एक्शन के बारे में ही मैं आपसे कह रहा था कुछ देर पहले कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ लेते हैं चलिए इसको, कंपनीज एक्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स बाय शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर लीव स्टेक होल्डर्स हाई एंड ड्राई इन केस ऑफ फ्रॉड मिस अप्रोप्रिएशन एक्सेट्रा, दिस वाज स्पेशली फेल्ट एट द टाइम ऑफ सत्यम जो स्कैम हुआ, वेयर स्मॉल इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट टू सी देयर मनी गो डाउन द ड्रेन व्हाइल अमेरिकन डिपॉजिटर्स ऑफ द सत्यम वर एबल टू रिसीव $125 मिलियन इन सेटलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लास एक्शन। इंडिया में था ही नहीं क्लास एक्शन, कुछ हो ही नहीं पाया, वहां पे था तो वहां के इन्वेस्टर्स ने $125 मिलियन सत्यम से वसूल किए। अगर इंडिया में होता तो इंडियंस को भी डेफिनेटली कुछ मिलता। और सत्यम तो चलिए एक लीडिंग एग्जांपल है, तो उसको हम हर बुक्स में यू नो मेंशन कर रहे हैं, उसके बारे में बड़ा बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, बट क्या हम ये मानते हैं या फिर हम क्या ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि सिर्फ सत्यम में ही ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बहुत तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसा आज भी कर रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, पर ऐसी तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो यू नो फ्रॉड ही कर रही है, ऐसे मान के चलिए। बस ये है कि
कि कब वो सामने आएगी चीज। पहले एक जमाने में कंपनी आई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, उसका नाम था स्पीक एशिया करके, और भी कंपनीज थी। वो क्या करते थे कि मैं भी गया था उनके सेमिनार में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने वो सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करी थी। मैं गया था क्योंकि होते हैं बहुत सारे लोग, जैसे जो LIC का, अगर आपका कोई दोस्त जानकार या खुद LIC के एजेंट है, माइंड मत करिएगा इस चीज को। अच्छी बात है वो कि आप दूसरों की मदद ही कर रहे हैं उससे, क्योंकि लाइफ तो उन्हीं की सिक्योर हो रही है, तो गलत तो आप कुछ नहीं कर रहे। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज नहीं करना चाहते बट सामने वाला कंपेल करता है, तो हम कहते हैं चल देख लेते हैं भाई एक बार क्या है। तो मैं गया था सेमिनार में, उसमें होता क्या था, आपने सुना होगा स्पीक एशिया या कुछ ऐसे करके, बहुत पहले की बात है, मतलब हो गए 7-8 साल, 10 साल हो गए होंगे। उसमें वो क्या करते थे, कहते थे कि आप 1,000 रुपये दो, या पता नहीं 2,000 रुपये, तो मुझे याद नहीं है क्या था अमाउंट, और आपको आपको हम लॉगिन वॉगिन दे देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि आपको हर दिन या पता नहीं हर हफ्ते कोई एड आएगा, 1-2-4 मिनट का, वो बस देखना होगा आपको, एड देखना होगा आपके कंप्यूटर पे, जो भी लॉगिन है उस पर एड आएगा, कोई भी प्रोडक्ट का एड होगा, वो आपको देखना होगा। आप जब देख लोगे तो आपको 2,000 रुपये उस एड को देखने के मिलेंगे। तो बंदों ने बोला, सारी दुकानें वुकानें बंद कर दी, कहा कि यार इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है, क्या करना क्या है, मुझे बस एड चलाना है, और मतलब मैं जो काम चाहूँ वो भी करूँ साथ में, और ना भी करूँ तब तो भी इतनी कमाई हो रही है मेरी। और फिर वो ही था कि आप मेंबर्स बनाओ, ये करो वो करो। लोगों ने किया, बहुत किया, इसको ज्वाइन कराया, उसको ज्वाइन कराया, और पैसे भी लोगों को आने लगे। जो अर्ली लोग इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीजों में, वो कमाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बट जब एक चीज बहुत बूम पे पहुंच जाती है, फिर कोई जो इन्वॉल्व होता है एकदम एंड एंड में, वो लॉस ही जनरली बियर करता है, मेरा ये मानना है। तो मैं उनके एक बार सेमिनार में गया, खचाखच स्टेडियम था, पता नहीं कौन सा, वो भरा हुआ था। तो खैर उस समय मैं CS कर ही रहा था, शायद 10 साल, मतलब फाइनल वाइनल में ही था मैं शायद। तो मुझे इतनी समझ थी कि यार ये कंपनी इतने बड़े अगर लेवल पे काम कर रही है तो एटलीस्ट ये कंपनी तो होगी। तो मैंने जाके MCA की वेबसाइट पे चेक किया कि यार देखो तो कि क्या ऑथराइज कैपिटल है, क्योंकि ये तो था कि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, ना लिमिटेड कंपनी है। देखा तो कंपनी का नाम नहीं मिला, तो और सर्च किया तो पता चला वो फर्म है सिर्फ, मतलब जो वहां पे हजारों लोग बैठे होंगे शायद, मैंने गिने नहीं, उनमें से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि यार तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो तुम फर्म के अंदर ही काम चला रहे हो, कंपनी तो बनाओ कम से कम ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फर्म में आपको क्या पता उसके फाइनेंशियल क्या है, फर्म का कहाँ पे फाइनेंशियल फाइल होता है भाई। कंपनी होगी प्राइवेट लिमिटेड, तो ऑडिट होगा, कुछ फाइनेंशियल देखेंगे तो सही, तमाम ऐसी तरीके की बातें थी। तो कहने का मतलब इस पूरी बात से, जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, कि सत्यम एक ऐसी चीज है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड दैट नेम, बट इट डज नॉट मीन कि सत्यम वाज द ओनली कंपनी जिसने इस चीज का फायदा उठाया, इस लूपहोल का फायदा उठाया। तमाम ऐसी कंपनी है, इस स्पीक एशिया ने जब, और बाद में हुआ स्कैम, ये स्कैम हुआ, जाके आज इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, करोड़ों रुपए लोग सड़क पे आ गए, जिसको आप कहते हैं वो हो गया, करोड़ों रुपए लोगों के स्पीक एशिया लेके भाग गया आज का दिन। अब तो आप क्या होना है, 8-10 साल निकल चुके हैं उस बात को, कहाँ है वो लोग जिन्होंने पैसे लिए सो कॉल्ड, आज जो बड़े बड़े लोग सेमिनार्स करते थे, जो इतने लोगों को बुलाते थे वगैरह वगैरह, कहाँ है वो लोग, किसी का कुछ नहीं पता। आपको जो करना है आप करिए, बट पैसे किसी के, जहां तक मैं समझता हूँ, किसी के कोई पैसे नहीं मिले। तो ये एज अ इन्वेस्टर, एज अ यू नो लीगल एक्सपर्ट जो कि आप है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप ऐसा कुछ देखें। अब मैं स्टोरी में नहीं जाना चाहता भाई, रिविजन क्लासेस हैं ये। तो एक स्टूडेंट था जो अभी बोल रहा था, वो भी शायद ये देख रहा होगा क्लास, मुझे नाम याद नहीं है कौन सी, फाइनल के ही स्टूडेंट था, मुझे याद नहीं है। कहता कि सर हमारे वहाँ पे मतलब मेरे पेरेंट्स हैं या कोई भी है, वो कोई बिजनेस विजनेस है ये, कि मतलब आप इतना इन्वेस्ट करो आपको इतना मिलेगा। मैंने उसको सबसे पहले RBI का एड भेजा, RBI का एड आपको दिखाऊंगा, मैंने क्लास में चलाया भी था, क्योंकि अब तो इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें ये था कि ये लगा लो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वही है भाई, कुछ नहीं होता मेहनत के बगैर, कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात आप बैठा ले दिमाग में, चाहे इजी वर्ड्स में समझे या नुकसान करके समझे, ये साफ सी बात है। क्लास एक्शन का फायदा जो है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कई बच्चे कह रहे हैं सर यही सुनाते रहेंगे, स्टोरी बड़ी बढ़िया लग रही है, तो भाई अभी रिविजन सीरीज कर लेते हैं, फिर बाद में कभी देखेंगे। तो क्लास एक्शन सूट्स के बारे में, अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो देखिए यही है कि क्लास एक्शन का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कंपनी में यू नो अल्ट्रा वायरस चीजें हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसको खत्म किया जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि क्लबिंग करी जाए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इंडिया के कोने कोने में चल रहे हैं। आपके सामने एक फिगर लिखी हुई है, कहते हैं 43 लाख से ज्यादा हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 8 लाख केसेस
10 साल से पुराने हैं। 10 साल से पुराने मतलब एविडेंस तो मर गया, मरने के बाद एक इंसान के अंदर आत्मा होती है जो वो मरता है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, तो आत्मा भी कहीं की कहीं चली गई, तो ये हो गया। एविडेंस कहाँ मिलेगा 10 साल के बाद? आपको क्या लगता है एविडेंस आप ढूंढ पाएंगे? है ना, तो ये हालत है। तो कहते हैं कि भाई फ्यूचर लिटिगेशन जो था इसमें बहुत बढ़ रहा था कि एक बंदा कहता है कि मैं कंपनी के खिलाफ जाऊंगा। अब जब सारे के सारे एक साथ आ गए हैं तो एटलीस्ट ये एक केस हो गया है और कंपनी पे भी ये स्ट्रॉन्गली पड़ रहा है, मतलब क्योंकि एक-एक केस चल रहा था तो कंपनी ना मीडिया में आ रहा था ना कुछ आ रहा था। अब जब ये इतने लोगों ने मिलके कंपनी पे केस फाइल किया तो ये हेडलाइन छप गया हर जगह पे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ वो हुआ, है ना, तो कंपनी पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने लगा इन चीजों का। तो क्लास एक्शन से जो सिचुएशन है स्मॉल शेयर होल्डर्स की और सो कॉल्ड एज डिपॉजिटर्स या मेंबर्स की, वो डेफिनेटली ओवरऑल हुई है, वो डेफिनेटली बदली है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल सिमिलर एप्लीकेशन प्रिवेलेंट इन एनी जुरिसडिक्शन शुड बी कंसोलिडेटेड इन सिंगल एप्लीकेशन एंड द क्लास मेंबर्स और डिपॉजिटर शुड बी अलाउड टू चूज द लीड एप्लीकेंट। टू क्लास एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज शैल नॉट बी अलाउड। ये बिल्कुल सही है, जब एक एप्लीकेशन चल रही है तो उसी में जाके सब लोग शामिल हो जाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी लगे कि ज्यादा लोगों ने फाइल करी है और उसका रिजल्ट भी जल्दी आ सके। क्योंकि जहां पे एक एक केस चल रहा है वन ऑन वन, वो पता नहीं कब क्या होगा। जहां पे मेजोरिटी का प्रेशर है वहां पे कोर्ट भी अंदर प्रेशर है, कोर्ट ये कहे या ना कहे, माने या ना माने, बट सिस्टम अंडर प्रेशर है जहां पे इतने सारे लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है। और साथ साथ जब आप ऐसी कोई बात करते हैं ऑब्वियसली रादर देन इंडिविजुअली ग्रुप के साथ अगर आप लड़ते हैं केस, तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि वकील तो आपको अपने लिए भी करना है ग्रुप के लिए भी करना है। ग्रुप के लिए अगर करेंगे सब लोग मिलके केस लड़ रहे हैं तो अच्छा वकील कर पाएंगे तो चांसेस है ज्यादा केस जीतने के। क्लास एक्शन का सूट कौन फाइल कर सकता है? मैंने पहले बताया मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स, या इन दोनों में से कोई भी मेंबर्स मतलब किसी भी तरीके के, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, चाहे वो मेंबर्स जिन्होंने कंपनी के शेयर्स इनिशियली सब्सक्राइब किए थे, एमओए में अपना नाम दर्ज कराया था, और किसके खिलाफ क्लास एक्शन जो है वो फाइल किया जा सकता है, ये बात भी कही गई है। और उस तौर पे कहते हुए कंपनी उसके डायरेक्टर्स जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, ऑडिटर्स अगर उसने कोई गलत रिपोर्ट दी है, या कोई भी ऐसा लीगल या अदरवाइज एक्सपर्ट जिसने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी थी जिसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्ट किया। जैसे देखिए एक प्रोस्पेक्टस होता है, अब प्रोस्पेक्टस क्या है? वो यही तो बताता है कि कंपनी क्या है, क्या होगी और कैसे होगी, क्या है क्या होगी और कैसे होगी, इन्हीं चीजों के बारे में सपने दिखाने वाली बात है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोजेक्शन तो दिखाने ही पड़ते हैं, बट अगर आप एकदम अनजेन्युइन बात करें, जो प्रोस्पेक्टस पे आप लिख रहे हैं, आप बार बार बहुत बार कहते हैं उसमें रोजी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, रोजी मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे बहुत बार कोचिंग में मैंने देखा है, कोचिंग सेंटर, अपनी भी बात करता हूँ मैं, कोई अलग नहीं हूँ उनसे, पर मैं थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखता हूँ कि मैं ओवर बिल्कुल ना कहूँ। जैसे मैंने देखा है बहुत बार कोचिंग सेंटर में लोग कहते हैं, और ये गलत फहमी में अपना रहे हैं, कि तुम सीएस कर लो तुम्हें तुम्हें स्टार बना देंगे, मतलब ये कि तुम बस सीएस कर लो और उसके बाद देखो तुम्हारे घर के बाहर नौकरियों की लाइन लग जाएगी, ऐसे कहते हैं बहुत सारे कोचिंग वाले। बट मैं आपको बोलता हूँ ऐसा नहीं होता, इस गलत फहमी में मत रहना। कोई भी आप काम करें, फिर ये भी सुनिए, पूरी बात सुनिए, ये नहीं कि ये सुन लिया कि हाँ 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 ये सही कह रहे हैं, या एक उसमें चले गए कि यार अच्छा ऐसे होता है, सुनिए पूरी बात। कोई भी काम, चाहे मैं क्लासेस अभी पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, सीए सीएस कुछ भी, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता आजकल के जमाने में। आपको ऑब्वियसली अपने आप को डिग्री के बाद भी प्रूव करते रहना है आपको प्रूव करते हुए। तो वही चीज है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सीएस भी कर लें सीए भी कर लें तब कुछ हो जाएगा, कोई आपको घर आके नौकरी देगा, ऐसा ना कभी था और ना कभी होगा। मेहनत हमारी हमेशा जारी रहनी चाहिए, और डेफिनेटली ये हम समझे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा छोटे लेवल से, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा दिन आएगा जहां पे लोग आपके बारे में पूछेंगे और आपसे ही काम करवाना चाहेंगे, जो भी उनको सेक्रेटेरियल लीगल या कोई और काम है, बट वो आने में थोड़ा समय लगेगा। ये तो ऐसी बात हुई जो प्रैक्टिकल बात है, जो पहले मैंने बात कही कि तुम बन जाओ और उसके बाद देखो तुम्हारे घर के बाहर लाइन लग जाएगी, तुम इतना कमाओगे ये होगा वो होगा, उन पे आप बिल्कुल भी ना जाए, उन एड से उन टीचर से आप सावधान रहे। कोई भी मैच्योर टीचर ऐसी बात वैसे नहीं करेगा, बट जो कुछ होते हैं मैंने देखा है जो ऐसी बात करते हैं, तो मैं उनसे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। क्या रिलीफ आप ट्राइब्यूनल से मांग सकते हैं जब आप क्लास एक्शन का सूट फाइल करते हैं? आप ट्राइब्यूनल को कह सकते हैं कि भाई कंपनी को रोका जाए, कंपनी जो भी अल्ट्रा वायरस कर रही है उस काम से रोका जाए, और कंपनी ने जो भी रेजोल्यूशन वगैरह पास किए हैं उसमें उसने बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया है, तो उन रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, और जो भी एक्सपर्ट है या
जैसे कि हमने कहा ऑडिटर्स वगैरह जिसकी गलत रिपोर्ट के बेसिस पे ये कंपनी काम कर रही है और लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है, उन पे लीगल एक्शन लिए जा सके। तो ये सारी बात यहाँ पे कही गई है। इसके साथ हमारा जो पार्ट नंबर सेकेंड है ऑफ दिस रिविजन सीरीज वो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं जब आपसे दोबारा मिलूंगा जो कि बहुत ही जल्दी होगा, मैं आपसे चैप्टर नंबर सेकेंड विच इज फ्रॉड अंडर द कंपनी एक्ट के बारे में हम लोग बात करनी शुरू करेंगे ऑब्वियसली, एंड सो कंपनीज एक्ट एंड द इंडियन पीनल कोड तो बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू। फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस प्रोफेशनल वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल, गारंटी ऑफ कवरिंग ऑल अवेंटमेंट शांतनु एंड तान्या मंडारी क्लासेस। थैंक यू सो मच।